ताई तुमचं पॅटीस आणि चहा. थँक्यू मावशी. थँक्यू. तो आज सुबह का नाश्ता मैं कर रही हूँ एक छोटे से गांव में, वो भी मुंबई से सिर्फ 2 घंटे दूर. I have come to a one-of-a-kind village near Mumbai and Pune, a place where one can get a complete village life experience, from art, culture, heritage, vast farmlands, traditional meals, entertainment, and so much more that will take you back to your roots. Welcome to the Monteria village in Khalapur. Spread across 36 acres in Raigarh district's Khalapur town, Monteria village एक man-made village है कलौटी गांव के करीब में. ये village specially tourists और उन सभी के लिए बनाया गया है ताकि वो एक village life को experience कर सके. ये पूरा गांव कुदरत की खूबसूरती से भरा है. ये गांव में एक बाजार भी है that will give you all the feels of a traditional village market. नुक्कड़ पे मौशी की हाथ की चाय मिलेगी. गांव के यंगस्टर्स कंचे और बोहरे खेलते नजर आएंगे. खेत की गीली मिट्टी की खुशबू ना आपको जरूर अपने जड़ों का एहसास दिलाएगी. यू नो, हम बड़े शहर के लोग कॉन्स्टेंटली एक हसल में जीते हैं अमिड स्ट्रेस, डेडलाइंस, मॉडर्न लाइफस्टाइल्स ऑफ अ टिपिकल सिटी लाइफ. वेल, द मोंटेरिया विलेज गिव्स यू अ चांस टू गेट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ हाउ अ लाइफ इन अ विलेज फील्स लाइक. नाउ द एंट्री फी फॉर दिस प्लेस इज 1,500 रुपीज, बट इफ यू पे थ्रू कर्ली टेल्स देन यू हैव टू पे जस्ट रुपीज 1,260, विच इज इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफेस्ट, लंच, हाई टी एंड द एंटायर विलेज टूर एक्सपीरियंस. तो आज मैं आपकी गाइड बनने वाली हूं एंड आई एम गोना टेक यू अराउंड द एंटायर विलेज, सो लेट्स गो. तो जब मैं विलेज लाइफ की बात करूं, पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है खेती बाड़ी, वास्ट फार्म लैंड्स एंड द स्मेल ऑफ टिल्ड सॉइल. For someone like me who spends her entire time in this city, coming here and learning about different farming practices definitely gives me the true essence of a village life. भाव है कशा चा बिया है? मक्के चा है. मक्के का भी मैं करूं? हाँ. तो यहाँ एक तरफ ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है जहाँ कई डिफरेंट तरीके की सब्जियाँ उगाई जाती है, एंड द अदर साइड इज अ मोर मॉडर्न अप्रोच ऑफ ग्रोइंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स विच इज थ्रू हाइड्रो फार्मिंग. मैं मक्के की सब्जी उगा रही हूँ भी. गांव में अक्सर लोग पैदल, साइकिल या बाइक पे सवारी करते हैं, पर क्या आप पहले कभी गांव के चकड़ों पे बैठे हो? वर्चुअली ही सही, मेरे साथ घूम लो. बहुत ही सुंदर सा नजारा है ना. वेल, ये गांव की टंकी देखकर तो मुझे एक फेमस पिक्चर का सीन याद आ रहा है, व्हिच इज प्लेड बाय धर्मेंद्र. कमेंट में बताओ व्हिच मूवी दैट वाज. रुको रुको रुको, बाजार आ गया है. वाओ, सो ये है गांव का बाजार. कोई पिक्चर में गांव का सेटअप किया हो ना, वैसी फील्स आ रही है. यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिसंस हैं. एक बाजू लोहार और सोनार का काम चल रहा है, दूसरी ओर पॉट्स बन रहे हैं, क्राफ्ट्समैन अपने काम में लगे हुए हैं. आप यहाँ सुविनियर्स भी खरीद सकते हो. एक छोटा सा डॉक्टर का क्लिनिक है, एक स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, सरपंच का घर है, ग्राम पंचायत कार्यालय है, पान की दुकान से लेकर महिला उद्योग भी है जहाँ गांव की औरतें अचार और पापड़ जैसी चीजें बेचती है. आई मीन इट्स अ टोटल सेल्फ सस्टेनिंग विलेज. और ये बाजार में आप शॉपिंग भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे काफी सारी सुविनियर्स बनती है जो खुद आर्टिसंस के हाथों से ही बनाई जाती है. मैं बनाऊं ऐसे? सही बना रही हो? पता नहीं क्या बन रहा है बट कुछ तो बन रहा है. पहली बार के लिए नॉट बैड. आई थिंक सूखने के बाद मैं ये घर जरूर लेके जाऊंगी. ये लीजिए भैया.
तो अगर आप चलकर थक जाते हो तो यहाँ पे हर नुक्कड़ पर ठंडे पानी का मटका रहता है, या फिर आप बाजार आकर गोली थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। एक का मसाला सोडा। So cool and refreshing. Thank you, भैया। अब मुझे भूख तो बहुत लगी है, so before I take you to some more of the interesting places around the village, let's take a quick lunch break. So the village has an in-house restaurant which is called as Sabras, where you can come here and enjoy all the meals, and they're absolutely authentic. Now let me try it out and tell you how it tastes. बहुत ही सिंपल और होमली खाना है, बट वेरी डिलिशियस एंड फ्लेवरफुल। इस गांव की हरियाली बहुत ही प्यारी है, सब जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और कितना कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने को। यहाँ का बैम्बू हट पर बैठकर सुकून को महसूस कर सकते हो, कलरफुल अटायर में फोटो खिंचवा सकते हो, गांव के मेले में अपने बचपन को याद कर सकते हो। लक्ष्मण झूले को पार कर सकते हो या ट्रेन के टनल में खो जा सकते हो। Well, the Monteria village has totally blown my mind. I have personally not experienced or even heard of such an excursion before, which is so close to Mumbai and Pune. और आप चाहे तो पूरा गांव घूम सकते हो या फिर बस लेट कर पेड़ों के नीचे आराम कर सकते हो। And the only noise that you will find is probably the chirping of the birds. And it's also rightly said that people living in the village tend to live longer than people living in the city life, because there's so much fresh air and the life is also so slow paced. This pond is actually the freshwater lake of the village, jahan pe aap andar jaakar swimming bhi kar sakte ho. 16 feet deep hai aur pani bahut hi saaf hai. These are truly the little joys of life, isn't it? The village is extremely beautiful and offers abundant spaces where you can host big gatherings, functions, and just a perfect place for weddings and events as well. Now you can end your day by sitting on the big swing that's there in the village, or if you're adventurous like me, then opt for the giant swing. Let's go. I'm doing something like this for the first time, so quite excited. That was amazing, especially the first drop of the swing from 15 feet was insane. आज मुझे तो इस गांव में बहुत मजा आया है, और अगर आपको भी इन सब चीजों का मजा उठाना है, then you need to plan your next trip with your family and friends and come to Monteria village. ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, और आपको भी ये वीडियो उन सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो अपने नेटिव प्लेसेस या गांव को याद कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे आके वक्त बिताकर अपनेपन का एहसास पा सकते हैं। Now Monteria offers day trips, but if you wish to spend a night around here, then they also offer staycation options at their resort and villa. The Monteria resort and villa is located just a short distance away from the village. So if anyone is looking for an overnight stay, then you can either pick the resort or the bungalow. And our favorite option was the Monteria bungalow, which is very spacious and comes with great views. So this is what a wholesome Monteria experience looks like. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलना. Let me know when you're planning to come here next. Until then, this is me, Bianca Saurashtri. I'll see you soon with some more interesting places that are going to be coming up. Bye bye.